बच्चों, कल मैंने आपको संग्राम के बारे में पढ़ाया था। आशा है आपने पढ़ा भी होगा और लर्न भी किया होगा, याद भी किया होगा। आज हम संग्राम के भेद के बारे में पढ़ेंगे और दिए गए वाक्यों को उचित संग्राम शब्द से पूरा करेंगे। जैसे संग्राम, संग्राम छह प्रकार के होते हैं। नंबर एक पुरुषवाचक संग्राम, नंबर टू निश्चयवाचक संग्राम, नंबर थ्री अनिश्चयवाचक संग्राम, नंबर फोर प्रश्नवाचक संग्राम, नंबर फाइव संबंधवाचक संग्राम, नंबर सिक्स निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम लेते हैं नंबर वन पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम, तू, तुम, तुम्हें, वह, उसने, वे और आप। अब उपयुक्त पुरुषवाचक सर्वनाम लिखकर वाक्य पूरा करो। का डैश से पहले भरना है आपको, विद्यालय चला गया। खा डैश से खाना खा रहा हूँ। गा डैश अध्यापक ने बुलाया है। घा डैश यहाँ क्या कर रहे हैं। आपको इसमें उचित पुरुषवाचक सर्वनाम भरकर पूरा करना है। नंबर टू निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, ये, इन, वह, वे, उन। अब आपको इन निश्चयवाचक सर्वनाम में से उचित छांटकर नीचे दिए गए वाक्य को पूरा करना है। जैसे का दे रखा है, पहले डैश है, आम बहुत पीले हैं। खा डैश सड़क दिल्ली जाती है। गा डैश है लोग लड़ाकू हैं। घा डैश है कुत्ता मेरा ही है। आप नंबर तीसरा लेते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराएं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सजीव के लिए कोई, किसी, और निर्जीव के लिए कुछ। आप इन शब्दों से इन वाक्यों को पूरे करने हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम लिखकर वाक्य पूरे करो। जैसे दूध में डैश है गिर गया है। खा कक्षा से डैसे को बुला लाओ। गा आपको डैस बुला रहा है। घा भीड़ में मुझे डैस ने धक्का दिया। जैसे हम एक लेते हैं दूध में गिर गया है, तो इसमें हम क्या भर सकते हैं। दूध में कुछ निर्जीव के लिए कुछ गिर गया है। ठीक है, इसी तरह आपको ये सभी वाक्य पूरे करने हैं। आप सभी वाक्यों को पूरा करेंगे और ध्यान से समझेंगे भी। धन्यवाद।